रमा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, आज के बारे में? बड़े बड़े हस्तियां यहां पर शिरकत करने आई, कितनी खुशी होती है? एक छोटा सा आपने पहल की थी आप लोगों ने, आज इतना बड़ा कारवां बन गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिनका दिनका बन के एक पहाड़ बन जाता है और एक एक बूंद बूंद चल के सागर बन जाता है, तो आज मेरी अपनी ये संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके अध्यक्ष महोदय साहिल शाह साहब मेरे और फाउंडर सनी शाह साहब, तो ये संस्था आठ साल पहले हमने शुरू की थी और तब हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी ये संस्था इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी। आज हमारी संस्था 27 स्टेट में काम कर रही है और आज हमने जो आज का जो दिन हमने चुना है राधा स्वामी अवार्ड का, कि राधा स्वामी जी के नाम पर हम उन लोगों को अवार्ड देते हैं जो टीचर्स हैं, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसके लिए हमने से मुंबई के ही टीचर्स हैं बल्कि मुंबई के बाहर के भी बहुत सारे टीचर्स को आज हमने सम्मानित किया और आज हमारी संस्था का एक और कदम आगे बढ़ा है और हम चाहते हैं कि एक एक कदम चलते हुए एक दिन हम लोकसभा तक पहुँचे, संसद भवन तक पहुँचे। साहिल साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, और कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? 80 अवार्ड आज दिए गए और इम्पोर्टेंटली मेरे को सिर्फ यही कहना है कि टीचर्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप जाते हो एजुकेशन के लिए, अगर आप जाते हो स्टूडेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है, सबको बढ़ावा मिलता है, बट टीचर्स को अगर गाइडलाइन, टीचर्स को अवार्ड्स वगैरह मिलता है तो आज उसकी सिखाने की ताकत 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पूछ रहा है। नहीं तो आज आप अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ टीचर्स आप जाके देखोगे वो सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ उनको बढ़ावा देती है, अवार्ड मिलना उनको और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस करने के लिए और लोगों को पढ़ाने के लिए और वो एटमोसफियर बनाने के लिए बढ़ावा देती है। इससे समाज को क्या बेनिफिट होगा, इससे आम आदमी को, समाज को क्या फ़ायदा होगा? इससे समाज को फ़ायदा होगा क्योंकि एजुकेशन मिल रहा है इम्पोर्टेंटली, क्योंकि स्टूडेंट कल हमारा यूथ ही सब कुछ है और अगर यूथ को शुरू से ह्यूमन राइट्स के बारे में और हर चीज़ के बारे में पता होगा तो वो बहुत आसानी से गाइड होते जाएगा और उसका काम करने का तरीका और सब चीज़ बेसिक, सब अच्छी तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसके। रमा सर, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और आने वाले दिनों में इस प्रकार का कार्यक्रम है क्या, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रूपरेखा होने वाला है आने वाले दिनों? हमारी अपनी संस्था साल में 3 प्रोग्राम्स करती है, एक बाबा साहब अम्बेडकर नोबल अवार्ड करते हैं हम लोग और एक राधा स्वामी अवार्ड अभी आज जो हमने किया है और एक हम लोग करते हैं वुमेन राइट्स, जो महिलाएं होती हैं, जो समाज की महिलाएं अच्छा काम करते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था, तो हम साल में 3 अवार्ड हमारी संस्था करती है और उन लोगों को, समाज के उन लोगों को हम प्रोत्साहन देते हैं, अवार्ड करते हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ किया है। और ये हमारी संस्था ऐसे कार्यक्रम जो मुंबई में शुरू किए हैं, इस तरह के प्रोग्राम में भी हम दिल्ली में भी करने जा रहे हैं, हैदराबाद में भी करने जा रहे हैं, बेंगलोर में भी कर रहे हैं और अभी हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमें इस काम के लिए वहाँ पे इनविटेशन दिया है। और जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ पे आके हमारे सहयोग देती हैं, आप सबका इंटरटेनमेंट भी करती हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों को प्रोत्साहन देते हैं। आज बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा फेडरेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी, उसके प्रेसिडेंट, उसके ट्रेजर, तीनों चार लोग हमारे इस अवार्ड फंक्शन में आए, तो आज हमारी जो ताकत है वो कई गुना आगे बढ़ चुकी है। लोगों के साथ एक कलाकार होता है कि आज आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके प्रोडक्ट के लिए आप 1 एम स्टार को लेते हैं। आज हमारी कंपनी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे एक्टर, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हमारी संस्था के लिए काम कर रहे हैं और जो अपनी आवाज़ से हमारी संस्था की आवाज़ पूरे दुनिया में और देश में फैला रहे हैं। मैं देश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, तो हम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी हम कुछ दिन बाद अभी जैसे हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रसोई की आवाज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सबका, मीडिया वालों का साथ हमारे साथ है। जो लोग यहाँ पे नहीं आए आज, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे साहिल साहब को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट संस्था के साथ जुड़िए और जो इंसानों का जो अपना अधिकार होता है उसको जानने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। चलते चलते फिल्म आ रही है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, किस प्रकार की फिल्म है, कहानी क्या है? बड़ी चर्चा सुन रहे थे।